न डरते हैं न हटते हैं। आपकी बहू आपके घर की एक सदस्य छाती के ऊपर पैर रखकर आएंगे तो यहां बदलाव लाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं, आपको वादा किया था वो वादा पूरा किया। डरने की जरूरत नहीं है। अरे आपको 11 की बजाय 21 लाख रुपए दे के आपको छोड़ा, तब बुलाना जब आप लोग ने तय कर लिया है कि अपनी घर की है, क्योंकि न डरते हैं न हटते हैं और छाती के ऊपर पैर रखकर आएंगे तो यहां बदलाव लाकर ही छोड़ेंगे। अब इतना सारा काम और हम अपने भगवान, हमने आराध्य देव को अगर संभाल नहीं सकते हैं तो यह भाषणबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। कितने साल निकल गए, मैंने इनको कहा, मैंने कहा जिस दिन आप लोग आके मुझे बुलाओगे ना उस दिन आऊंगी, उसके पहले नहीं। और मेरा यह कहना है कि मैं अपने आराध्य देव को नहीं संभाल सकूंगी तो मैं आप किसी को भी नहीं संभाल सकती, ये परिवार को नहीं संभाल सकती। तो आज तो मैं आपको सबको प्यार देने आई हूं और आपको ये कहने आई हूं कि मैं आपसे दूर नहीं, आपके साथ ही हूं। और आपको ये कहने आई हूं कि परिवार के जो लोग होते हैं वो दूर एक दूसरे से वैसे ही नहीं हो सकते, कभी कभी छोटी छोटी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, परंतु इक्के दुक्के ईंट निकाल के अपन उसमें से एक दूसरे की तरफ ताक झांक तो कर सकते हैं भाइयों, और रिश्ता तो रिश्ता ही होता है, वो रिश्ता कहीं नहीं, ना कोई उसको बिगाड़ सकता है। समय हो सकता है परंतु रिश्ता नहीं बिगड़ेगा, और इसलिए मैं यहां हूं आपकी बहू आपके घर की एक सदस्य, जब आपको जरूरत है हाथ बढ़ाओ, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी मिलूंगी। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। कि मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अरे यार आप ही लोगों ने मेरे को हाथ पकड़ के रास्ता दिखाया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, मेरा बहुत सारा प्यार आप सबको। एक मिनट रुको, थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी भैया, एक मिनट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। मैं अगर वादा करती हूं तो वादा पूरा करती हूं। मैंने वादा किया था हिमालय का जल पिलाऊंगी, पिलाया 11 के 11 कस्बा को पिलाया। जब से मैं निकल के गई थी, राजस्थान की सरकार को छोड़ा था तो मैंने सबको पिला दिया था। अब मालूम नहीं क्या स्थिति है, परंतु वो पानी जो इतने सालों में कोई नहीं पिला सका, वो आपको 10 साल के अंदर मैंने पिला के अपना वादा पूरा किया। कार्यालय तो कुर्ते ही है, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, वो सब 220 केवी, कई 33 केवी इसके पहले नहीं थे, जो भाइयों हम लोगों ने करके आपको दिया। खीमसर के खेल मैदान, खीमसर के रोड, बताओ भाई, मैं तो आज कह रही हूं कि नागौर के दिल के ऊपर खड़े हो जाओ तो यहां से राजस्थान के किसी भी क्षेत्र के अंदर सरसराते हुए आराम से चले जाओ। ये हम लोगों ने आपको दिया, हमारी सरकार ने दिया, आपको वादा किया था वो वादा पूरा किया। तो सुखराम जी कभी आओगे मेरे पास, याद दिलाओगे? भाई आएंगे। अरे अभी जल्दी क्या, मैं आपको ही कह रही हूं, कभी आओगे मेरे पास, कभी याद दिलाओगे, तो जब याद दिलाओगे तो आपको कोई ना ही नहीं करेगा, जो वादा है वो वादा पूरा होगा। ये मैं आपको सबको विश्वास दिलाती हूँ, और आपको 11 की बजाय 21 लाख रुपए दे के आपको छोड़ा। कब आना कब आना नहीं, आपको पहले कहना है कि सर मैं आना चाहता हूँ,
इसके पहले नहीं है। तो मैं थोड़ी आपको, अब मैं थोड़ी छाती के ऊपर खड़े होकर कह रही हूँ कि आना ही पड़ेगा, अब तो हो गए काम। हाँ ये बात, तेजा जी महाराज की जो भी होगा वो तेजा जी महाराज की वजह से होगा। बोले श्री वीर तेजा जी महाराज की। हाँ मैम, आज तेजा जी के दर्शन किए हैं कई सालों बाद में। इंदौर क्या कि हम चार दिन पहले आए थे, जब हम आपने 10 बीघा भूमि दी, प्लस आपने 2,25,00,000 रुपए ये पूरा निर्माण आपने करवाया, ठीक है। आज मेरे जब अध्यक्ष थे उस समय आपने जो अनाउंस किया वो भी आज निर्माण में दे दिया।
Thank you.